हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा, एक नया कंटेंट के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल में क्या कहा गया है फेओल के द्वारा। तो फेओल बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय टर्नओवर जितना ज्यादा मिनिमाइज किया जा सके मैनेजर के द्वारा, उतना ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी के लिए फायदेमंद होगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को प्रॉपर टाइम दिया जाए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाए, अपने रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाए, एंड देन उसके हिसाब से वो क्या कर पाए, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाए और बेहतर कर पाए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में टाइम नहीं देंगे एम्प्लॉयज को बार बार टर्न ओवर कराएंगे, एम्प्लॉयज को बार बार निकालेंगे या उनके लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो प्रॉपरली वर्क ना कर पाए, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी को क्या करने वाला है, बहुत ज्यादा दिक्कत पहुंचाने वाला है। ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी अचीव नहीं होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे और ऑर्गेनाइजेशन बार बार अपने एम्प्लॉयज को खोजेगा, नए एम्प्लॉयज को ढूंढेगा, जिसके उससे रिक्रूटमेंट के लिए, उसके सिलेक्शन के लिए, ट्रेनिंग के लिए बार बार ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और ये कॉस्ट उसको कहाँ से पे करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट से पे करना पड़ेगा, जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। प्लस हर टाइम आपके टीम में एक नया बंदा होगा और जैसे ही आपके टीम में नया बंदा होगा, फिर से आपको सारा एक्सरसाइज दोबारा से रिपीट करके उसको सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, जिससे कि आपके टाइम का भी वेस्टेज होने वाला है। तो फेओल का क्या कहना है, फेओल का ये कहना है कि भाई मिनिमाइज होना चाहिए। क्या मिनिमाइज होना चाहिए? तो ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय टर्नओवर मिनिमाइज होना चाहिए। आप बार बार लोगों को मत हटाओ, आप बार बार लोगों को ये मत बोलो कि आप पोजीशन को छोड़ के चले जाइए। आप उनको एक ड्यू टाइम दो और ड्यू टाइम देने के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर स्टार्ट करो, मतलब जब रिक्रूटमेंट करो, जब सिलेक्शन करो, तो कैंडिडेट को ऐसा लेकर के आओ जिसको कि आपको हटाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए क्या बोला टेलर ने, इसके लिए फेओल ने बोला, इसके लिए फेओल ने बोला कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हो, जब आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, रिग्रेस प्रोसीजर अपनाओ। रिग्रेस प्रोसीजर का मतलब कि फुल प्रूफ प्रोसीजर अपनाओ। उसी टाइम ऐसे व्यक्ति को चुन करके लेकर के आओ जो उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए, उस जॉब प्रोफाइल के लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है। उसके लिए आपको जो भी वर्क एक्सरसाइज करना है वो उसके ट्रेनिंग के टाइम में, उसके सिलेक्शन के टाइम में ही वो सारे एक्सरसाइज कर लो, ताकि जो पर्सन सेलेक्ट होकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए वो प्रॉपर हो। प्लस एक चीज और हुआ, ये भी बोला कि उनको आप ये इंश्योर करो कि उनका मिनिमम टेन्योर है, उससे पहले आप उनको नहीं निकालोगे। आप उनको समय दोगे ऑर्गेनाइजेशन को समझने का, ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी को समझने का, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, कौन उनके कलीग हैं, उनसे क्या काम, उन्हें क्या काम करना है, उनसे क्या ऑब्जेक्टिव सॉर्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें उनको समझने का टाइम दो। और जब वो प्रॉपर पोजीशन में आ जाएं, देन उनसे आप रिजल्ट्स के लिए उम्मीद करो। तो क्या बोलता है, बोलता है कि उनको एक मिनिमम फिक्स टेन्योर देना पड़ेगा। टेन्योर का मतलब बेटा पीरियड होता है कि उसमें उनको परफॉर्म करने के लिए बोला जाए। उनको रिजनेबल टाइम आपको अवॉइड करना पड़ेगा ताकि वो रिजल्ट दिखाएं। मतलब कहने का कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक व्यक्ति आएगा और वो तुरंत से आकर के आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट डालना तो नहीं शुरू कर देगा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं करेगा। आपको उसको पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझने का मौका देना पड़ेगा। वो जब ऑर्गेनाइजेशन को समझेगा, सीखेगा, ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या इनपुट है उसको जब वो पकड़ पाएगा, जब वो परख पाएगा, देन वनली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा। ठीक है, आगे एक वर्ड यूज किया है कि एनी एडवोकिज्म इन दिस रिगार्ड, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एनी एडवोकिज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी अमॉन्ग एम्प्लॉइज। बोलते हैं आप एडवोकिज्म करोगे, एडवोकिज्म का मतलब होता है टेम्पररी नेचर। ठीक है, मैं आपके लिए वर्ड लिख देता हूँ, एडवोकिज्म का मतलब होता है टेम्पररी नेचर। एडोकिज्म जो वर्ड है वो एडहॉक वर्ड से लिया गया है, एंड एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा अपनी बुक में। तो अगर आप उसको ये बिलीव कराओगे कि वो परमानेंट नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में टेम्पररी है, तो फिर दिक्कत आने वाली है आपको। उसको ये इंस्टेबिलिटी देगा, वो इनसिक्योरिटी देगा, उसको हमेशा लगेगा कि भाई अगर मेरा वर्क परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हुआ तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। इन दैट केस आपको उसको ये स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, उसके माइंड में ये फ्रेम करना पड़ेगा कि नहीं, यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अ परमानेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आप ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में अपना इनपुट दीजिए। और इसके लिए हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस के टाइम में इंश्योर करके चलना पड़ेगा कि मेरे पास जो इंप्लॉय अवेलेबल है, मेरे पास में जो वर्कफोर्स और ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है वो बेस्ट है, और हमने उसको बेस्ट मेथड से क्या किया है, रिक्रूट किया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग कॉस्ट बार बार बचेगा, इंप्लॉय टर्नओवर कम होगा, बार बार इंप्लॉयज को बताना आपको नहीं पड़ेगा, और मैनेजर्स को एक रेडीमेड टीम मिलेगी, एक रेडी टीम मिलेगी जिससे वो
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। ठीक है, तो ये हर बिजनेस के लिए ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि एक बार उसके पास में जो ह्यूमन रिसोर्सेज वॉक इन करे वो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय तक स्टिक करे और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में वर्क करे। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि फेओल ने प्रोपाउंड किया था। ओके, होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट रेज कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो डिस्कस करने वाला हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।